जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में महिला अपराधों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को पूर्व गौरव सैनिक कल्याण समिति द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान पूर्व सैनिकों के परिजनों ने कहा कि रोजाना महिलाओं से संबंधित अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। बहु बेटियों के साथ छेड़खानी से लेकर दुराचार की घटनाएं आम हो गई हैं। ऐसे में लोगों को भय का माहौल में हमेशा जीना पड़ रहा है। इसके तहत ही प्रदर्शनकारियों ने उप जिला अधिकारी कार्यालय में मांग पत्र देकर सरकार से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाने की मांग की। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये हम लोग यहाँ पर सब लोग भूतपूर्व सैनिक संगठन हल्दीचौर से आए हैं और इसमें तमाम इस क्षेत्र के हमारे पूर्व सैनिक सभी जुड़े हुए हैं और जितनी भी हमारी पूर्व सैनिकों की विडोज हैं, जो लेडीज हैं, वो भी यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो हम लोग सब पिछले लगभग एक दो महीने से हम लोग देख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में बहुत ही ज़्यादा अराजकतापूर्ण वातावरण हो चुका है, खासतौर पर महिलाओं के प्रति। हम लोग डेली देखते हैं पेपर्स में भी, टीवी पे भी, कि कहीं बंगाल से लेकर बिहार, उड़ीसा और राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान में, कलकत्ता मीन्स बंगाल, सो पूरे हिंदुस्तान में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हमारी मांग है कि महिलाओं की सुरक्षा की जाए और उनको उत्पीड़न से मुक्त किया जाए। अली गली में इधर उधर ये चोरी छिपे हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है, उसके लिए हमारी सुरक्षा की जाए। हम सैनिक परिवार से हैं। हाँ, सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते कि हमारी मदद करें, हमें सुरक्षित, जैसे हमें सुरक्षा मिले वो हमारी करें, हमारी बहुओं को सुरक्षित रहे। हाँ, हमारी बेटियाँ असुरक्षित है, घर से बाहर निकलने में डरती है, अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं, कई चीज, हर चीज का डर है।